दोस्तों, जब किसी स्टॉक के प्राइसेस में हमें लगातार गिरावट आते हुए देखने को मिल रही हो और जब वो प्राइसेस अपने नीले सपोर्ट या सप्लाईज उनके आसपास पहुंचती हैं, तो अगर उस सपोर्ट के पास हमें एक लॉन्ग बॉडीड बुल कैंडल देखने को मिलती है जिसका कि जो विक है वो काफी स्मॉल है, तो ये हमें बताता है कि जो उस सेशन की प्राइसेस हैं वो उस सेशन की हाई प्राइसेस के आसपास काफी क्लोज होते हुए देखने को मिली है, जिससे कि हमें ये भी पता चलता है कि जो बुल्स हैं कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रिप है मार्केट में वो दोबारा से मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है। अब अगले दो ट्रेडिंग सेशन में भी हमें सिमिलर कैंडल्स देखने को मिलती है और इन तीन कैंडल्स के बन जाने के बाद हमारा थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, विच इज अ थ्री कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए हम सर्टेन इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं द आरएसआई इंडिकेटर, द 14 डे आरएसआई इंडिकेटर, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि जो आरएसआई है क्या वो 40 का जो ओवरसोल्ड रीजन है वहां से हमें क्रॉस करते हुए देखने को मिल रहा है या नहीं। और सेकंडली हम लोग वॉल्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो थ्री कैंडल्स हैं क्या इसमें हमें वॉल्यूम्स का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है या नहीं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को इसी तरीके से सीखते समझते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।